हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत करता हूँ फिर अपने यूट्यूब चैनल भिनार क्लासेस में। और आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का आज बॉटनी। हम देखेंगे बॉटनी का एक दूसरा हमारा पेपर था, उसमें था पुष्पी पादपों का एक, मतलब कह लो कि हमको जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, उसके कह रहे टिश्यूज को पढ़ना है डीपली जाके। तो उसी के बेसिस पे आज हम एंजियोस्पर्म के प्लांट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर एक फ्लावरिंग प्लांट्स होता कैसे है, उनमें कौन कौन सा ऐसा पार्ट्स होता है जो सही तरीके से अलग अलग वर्किंग में कैसे वो हेल्प करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, यदि आप पहली बार ये लेक्चर पा रहे हो किसी भी माध्यम से या फिर डायरेक्टली आप सर्चिंग से लिए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्लास की नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं। और अधिक से अधिक शेयर करो जिससे अधिक स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। और आज टॉपिक हम डील करेंगे पहले एंजियोस्पर्म प्लांट पर्टिकुलर होता क्या है। देखो क्वेश्चन की बात करेंगे, ये 5 नंबर के वेटेज में आता है, 5 मार्क्स का आता है। सिंपल सा पूछा जाता है कि डिस्क्राइब करना होता है एंजियोस्पर्म्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स या फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को, और उसके साथ बताना होता है कि एंजियोस्पर्म के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसका फिगर कैसा कंप्लीट होता है। तो देखो ये फिगर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, एक फिगर दिखाई दे रहा है। ये स्पेशली ये आपका क्या है, ये रूट का एपिकल मेरिस्टेम है, और ये है एपिकल मेरिस्टेम, किसका, स्टेम या शूट का कह सकते हो। तो शूट और हम रूट की बात करेंगे स्पेशली आज, ठीक। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं स्पेशल की, हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स हैं वो पर्टिकुलर होते क्या हैं, ठीक, कि एंजियोस्पर्म है क्या। आपने क्लास 11th और 12th की जो बुकें थी पहले कंबाइन पढ़े होंगे, या फिर अब आके आप यदि 11th की बुक पढ़ते हैं तो उसमें एंजियोस्पर्म प्लांट्स को सही तरीके से दिखाया जाता है। बट यहाँ से हम फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, उनमें वे प्लांट्स आते हैं जिनमें ओवरी क्या होता है, जिनमें ओवरी से सीड का फॉर्मेशन होता है, और स्पेशल वे ओव्यूल के अंदर ही क्लोज होते हैं। मतलब ये कह लें कि फ्लावरिंग प्लांट हम उनको कहेंगे, फ्लावर भी प्रेजेंट होगा, फ्लावर प्रेजेंट होने के साथ साथ जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो ओवरी के अंदर ओव्यूल के पास होता है या ओव्यूल में ही होता है। तो ओवरी स्पेशल क्या है, मेल जेनाइट मतलब सॉरी फीमेल पोर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, प्लांट्स का, और जो ओव्यूल है उसी ओवरी के अंदर बनने वाले पार्ट्स के बारे में बताता है। यदि हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन के, तो ये डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स टू टाइप्स के होते हैं, तो हम आगे डील करेंगे अभी डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स क्या होते हैं। पर्टिकुलर हम स्पीशीज की बात कर ले स्टूडेंट, तो इसमें लगभग 2,00,000 स्पीशीज, 2,70,000 स्पीशीज पाई जाती हैं, तो काफ़ी लंबी श्रृंखला है। मतलब यदि हम देखना चाहें इसको तो 2,00,000 कुछ ज़्यादा दिख रहा है, 2,70,000 स्पीसीज, मतलब एक बड़ा नंबर क्रिएट करते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स, ठीक। तो अब देखो जब बात करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स के इंट्रोडक्शन की, तो हमने बताया कि ये कैसा होगा, इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा ओवरी के अंदर होगा, ठीक, मतलब इनर साइड में होगा, बट जो ओव्यूल हमारा होगा, इस प्रकार जो हमारा ओव्यूल होता है वो एक खोल यानी कैप्सूल के अंदर ही डेवलप होता हुआ नजर आएगा, ठीक। और इसके बाद इसमें स्पेशल रूट और शूट की बात कर लें, देखो ये जो यहाँ से यहाँ के नीचे की बात करता है स्टूडेंट, इसको हम रूट कहते हैं, और इसके जो ऊपर का पॉइंट होता है हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम शूट के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, सूट के नाम जानते हैं। आपने इसके पहले देखा होगा मूल और परोह, इसको कहते हैं हिंदी में मूलांकुर और प्रांकुर, आप हिंदी में इसको कह सकते हो कि मूलांकुर और प्रांकुर, मूलांकुर नीचे की ओर, प्रांकुर ऊपर की ओर। तो प्रांकुर मतलब परोह के रूप में, और रूट मतलब स्पेशली आप जानते हो ये जड़ के बारे में बात करता है। तो स्पेशली जब हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे टू टाइप्स का बेसिक स्ट्रक्चर्स नजर आता है, और प्लांट्स की जो ऑर्गन लेवल है वो टू टाइप्स के डिवाइड हो जाती है, एक रूट में डिवाइड हो जाती है और दूसरा शूट में डिवाइड हो जाती है। तो शूट यहाँ पे है और रूट स्पेशली यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके नीचे मतलब हम यहाँ पे फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, रूट तो कई टाइप्स के होते हैं, और ये जमीन के अंदर होगा। ये देखो रूट की बात कर रहा है, ये हमारे पास सेकेंडरी रूट की बात कर रहा है, मतलब रूट के बाद और सेकेंडरी रूट, क्योंकि हमारा जो रूट होगा स्पेशली वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के मतलब एक होते हैं हमारे ट्रैप रूट्स और एक होते हैं एडवेंटेजियस रूट्स, ठीक। तो झगड़ा जड़ और मूसला जड़ टू टाइप्स के हमने बात किया था इसके पहले। तो अब भी देखो ये रूट है और इसके ब्रांचेज हैं, तो
जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो रूट होते हैं टैप रूट होते हैं वो ब्रांचेज ही हो, कुछ ब्रांचेज नहीं होते तो, बट यहाँ पे ब्रांचेज है तो पहले एक प्राइमरी रूट की डेवलपमेंट होती है। जब प्राइमरी रूट सही तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर क्या होता है, रूट का डेवलपमेंट होता है। पर्टिकुलर आप जानते हो कि रूट जो होता है वो क्या करता है, रूट स्पेशली अपने जहाँ पे कह दो कि प्लांट्स की सही तरीके से फंडामेंटल पोजीशन को कवर करता है। फंडामेंटल पोजीशन का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे कि स्पेशली ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसपे सारा फ्लावर्स की जो प्लांट्स होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, वो सही तरीके से अपने बॉडी को क्रिएट करता हुआ नजर आता है। बेस क्रिएट करता है कौन, हमारा रूट करता है। यदि हम उसी जगह रूट के बारे में पढ़ते हैं तो रूट का जो स्पेशली स्ट्रक्चर्स नजर आता है स्टूडेंट, वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे रूट हेयर्स नजर आते हैं हमको, इसी में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। ठीक, इसी स्ट्रक्चर्स को हम रूट स्ट्रक्चर और रूट हेयर्स के नाम से जानते हैं। जैसा ये दिखा रहा है, ये इसका रूट एपिकल का टीएस काट लिया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया है। ट्रांसवर्स सेक्शन में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। बात कर ले यहाँ पे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है रूट हेयर, तो हमने देख लिया ये रूट हेयर है। ठीक, ये क्या करते हैं, ये एक सेंसरी ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं और स्पेशल किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, चाहे वो मोनोकार्ट हो चाहे वो डाईकार्ट हो, स्पेशली वहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशली यहाँ पे डाईकार्ट की। डाईकार्ट में स्पेशली ये जो रूट हेयर होते हैं वो मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, सेंसरी ऑर्गन करते हैं, मतलब न्यूट्रिशन मटेरियल को और वाटर मटेरियल का सही तरीके से हमको इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी प्लांट्स को कि इस साइड ज़्यादा वाटर या ज़्यादा फूड मटेरियल, मतलब फूड मटेरियल मतलब कि स्पेशल जो हमारे फर्टिलाइजर हैं वो हमारे प्रेजेंट है। इंडोडर्मिस की बात करेंगे तो इंडोडर्मिस की आप जानते ही हैं कि इंडोडर्मिस को हम क्या कहते हैं, जो हमारा एपिकल टिश्यूज होते हैं बाहर की ओर, ठीक, बाहर की ओर जो टिश्यूज पाए जाते हैं हम उन्हीं को एपिडर्मिस कहते हैं या इंडोडर्मिस कहते हैं। इंडोडर्मिस मतलब अंदर की ओर, एपिडर्मिस मतलब बाहर की ओर। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा है स्टूडेंट, देखो प्रोटोप्लाज्म होता है और एक प्रोटोजाइलम होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये सेल स्ट्रक्चर्स में नजर आते हैं हमारे, जो साइटोप्लाज्म के बाहर कह लो कि स्पेशल जितने भी लिक्विड्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है, बट यहाँ पे प्रोटोजाइलम की बात कर रहा है। प्रोटोजाइलम मतलब होता है जो हमारा प्रोकैम्बियम, क्या होता है, प्रोकैम्बियम सही तरीके से डिवीजन होने लगता है और डिवीजन बनने के बाद जो पहली बार जाइलम का फॉर्मेशन होता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, और दूसरी बार जाइलम का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाजाइलम के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप अपने माइंड में लगातार याद रखिएगा कि हमारे जाइलम टू टाइप्स के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की बात कर रहा है। हम प्रोटोजाइलम उनको कहते हैं स्टूडेंट जो स्पेशली पहली बार कैम्बियम के डिवीजन से फॉर्मेट होते हैं, इसके बाद हमारा मेटाजाइलम क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे पेरिसाइकिल की बात कर रहा है, पेरिसाइकिल स्पेशल एक पतली सी लेयर होती है, पतली एक मेम्ब्रेनिक लेयर होती है। ठीक, वो मेम्ब्रेनिक लेयर क्या करती है, किसी भी मतलब किसी भी रूट की बात कर लो, किसी भी रूट में स्पेशली ये क्या करते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल क्या कर रहा है, पेरिसाइकिल कहाँ पे डेवलप है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका क्या कर रहा है, प्रोटोफ्लोएम की बात कर रहा है। तो ये प्रोटोफाइलम क्या, प्रोटोफ्लोएम की बात कर रहा है, तो प्रोटोफ्लोएम यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रोटोफ्लोएम और इंडोडर्मिक के बीच जो एक पतली सी झिल्ली नुमा या पतली सी मेम्ब्रेन या एकदम स्मूथ मेम्ब्रेन की एक लेयर डेवलप होती है, उसी लेयर को हम पेरिसाइकिल का नाम देते हैं। याद रहेगा यहाँ प्रोटोफ्लोएम और इंडोडर्मिस के बीच एक लेयर डेवलप होता है, इसी लेयर को हम पेरिसाइकिल के नाम से जानते हैं। रही बात कार्टेक्स की, तो कार्टेक्स आप जानते हैं एपिडर्मिस के पार्ट्स को, जो हमारे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं उसको कार्टेक्स कहते हैं। रूट कैप मतलब, ये देखो इसमें रूट कैप की बात कर रहा है, ये पूरा जोन जो हमारा होता है वो एक रूट कैप जोन होता है। क्या होता है, रूट कैप जोन होता है। रूट कैप का जोन मतलब ये है कि ये जहाँ भी पाया जाएगा, मतलब समझना स्टूडेंट, ये जहाँ भी पाया जाएगा रूट कैप, स्पेशली रूट के सही तरीके से डैमेज ना हो पाए, रूट डैमेज ना हो पाए, रूट सही तरीके से ग्रोथ करता रहे, ठीक, इसके लिए हम रूट कैप के बारे में जानते हैं। रूट कैप मतलब कैप मतलब सुरक्षा प्रदान करना,
स्पेशली ये रूट को एक बेहतर क्राइटेरिया के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करने के काम में आता है। यहाँ पे आप बात कर रहे इसके यहाँ पे प्रोटो फ्लेम की बात कर रहा है। देखो प्रोटो फ्लेम की बात किया तो मैंने प्रोटो फ्लेम की बात किया था पहले भी, और जाइलम की बात किया था। प्रोटो जाइलम मतलब वही कैरेम्बियम के डिवीजन के बाद, यानी प्रो कैरेम्बियम के डिवीजन के बाद जो पहली बार जाइलम बनता है उसको प्रोटो जाइलम कहते हैं। वैसे ही प्रो कैरेम्बियम के डिवीजन के बाद जो पहली बार फ्लेम बनता है उसे प्रोटो फ्लेम के नाम से हम जानते हैं, और दूसरी बार बनेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशली मेटा फ्लोयम या मेटा जाइलम के नाम से जानते हैं। तो ये रहा रूट का एपिकल मेरिस्टेम की बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर्स इसी जगह नजर आता हुआ होगा, मतलब ये कह ले मैं इसी को पूरा पॉइंट करके आगे की ओर पढ़ने की कोशिश किया हूँ। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम सूट की ऊपर की ओर चलते हैं। देखो ऊपर क्या है, जब हम ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ पे ये देखते हैं कि इनमें ढेर सारे एरिया आ जाते हैं, उसमें फ्लावर भी होगा, स्टेम भी होगा, लीव्स भी होंगे और फ्रूट भी होंगे। ठीक, तो अब स्पेशली यहाँ पे क्या होता था, अब इसके वर्क की बात मैंने नहीं किया, इसके वर्क में क्या होगा, ये डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को और इसके साथ फर्टिलाइजर को, क्या जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, इसको स्पेशली इसी जाइलम के द्वारा ऊपर की ओर कहाँ तक, उसके एपिकल टिश्यूज तक पहुँचाने का वर्क करता है। कौन? स्पेशली जाइलम करता है, बट रूट उसमें अहम भूमिका निभाता है। ठीक, आगे बात कर ले इसी जगह हम रूट की, तो उस रूट को हमने बताया कि स्पेशल ये एक तने का प्रारंभिक कार्य स्पेशली होता है फोटोसंश्लेषण, मतलब प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस करना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है क्यों स्टूडेंट, कि प्रकाश यानी फोटो का संश्लेषण, सिंथेसाइज मतलब स्टोर कर लेना। कैसे करते हैं, हमको पता है कि ये जब वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जाते हैं, क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जाते हैं और नीचे की ओर हमारे फूड मॉलिक्यूल्स आते हैं, क्या होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स आता है और इधर से क्या जाता है स्टूडेंट, इधर से वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं। ठीक, जब वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से एंट्री किया और फूड मॉलिक्यूल्स नीचे से आया, ये तो जाइलम और फ्लोएम के वर्क हुआ। बट स्पेशल यहाँ लिप्स की बात करेंगे, मैंने मिडरिप दिखाया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिप बल्डे की बात किया, तो लिप बल्डे उसके बाद इसी को हम लैमिला भी कहते हैं, लिप लैमिला के नाम से जानते हैं। ठीक, और यहाँ पे आप क्विनोट की बात कर रहे हो, मतलब गार्ट की बात कर रहे हो, क्योंकि गार्ट तो पाया जाता है, चाहे वो मोनोकार्ट्स हो चाहे डाईकार्ट्स हो, जहाँ से निकल रहा है। उसके बाद हम बात कर ले इसके लीफ की, कि लीफ कैसे डायरेक्ट लगा है, ये तो डायरेक्ट मैंने नहीं लगाया, मतलब सेसाइल के टाइप्स का है, सेसाइल मतलब इसको अनावृत का, मतलब सटा हुआ डायरेक्टली नहीं है, मतलब इसमें पेडिकल के फॉर्म में नहीं है। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे आप फ्रूट देख रहे हैं, यहाँ पे आप फ्लावर देख रहे हैं, तो हम बात कर ले सबसे पहले इसके बारे में। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जाता है और इस लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करता है, किसके थ्रू करता है स्टूडेंट, स्पेशली करता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर जाता है, और ये आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं प्रकाश संश्लेषण के फॉर्म में। ठीक, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे आपको टर्म दे रहा हूँ। ठीक, आप देखना चाहोगे देख लो इसी जगह, एक क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जाएगा, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, स्पेशली बताएगा यहाँ पे सनलाइट ऊपर की ओर होगा, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ आपको, सनलाइट होगा और नीचे क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। ठीक, क्लोरोफिल के साथ क्या बनाएंगे, ये C6H12O6+H2O+ oxygen मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये ऐसे कवर करते हैं, यही कहलाता है हमारा मतलब प्रकाश संश्लेषण का समीकरण या फिर फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। तो इसी को हम फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और यही हमारा जो फूड मटेरियल है ये लिप्स तैयार करती हैं अपनी स्पेशल इसी लिफ लैमिला या लिफ वर्ल्ड में। ठीक, अब देखो ऑर्गेनिक मटेरियल तो बन गया, ऑर्गेनिक मटेरियल के बाद अब धीरे धीरे वो स्टोर करता है, क्या करता है, अपने अलग अलग बॉडी में स्टोर करता है, वो चाहे फ्लावर के रूप में हो चाहे वो फ्रूट के रूप में हो।
तो प्लांट अलग अलग जगह इसको स्टोर करने लगता है। अब बात करें आगे, धीरे धीरे हमारा जो स्टेम है वो ग्रोथ करता है और ग्रोथ करते करते थ्री स्पेशल जोन्स का फॉर्मेशन करता है। जो हमारे ये सूट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ये जो ऊपर वाले पोजीशन होते हैं हम उनको एपिकल मेरिस्टेम के नाम जानते हैं, और जो बगल वाले होते हैं ठीक हम उन्हें क्या जानते हैं, लैटरल के फॉर्म्स जानते हैं, क्या लैटरल के फॉर्म्स जानते हैं। और जो ये बीच वाले पार्ट्स हो गए स्टूडेंट, ये जो बीच वाले क्राइटेरिया दिखाते हैं हम इनको इंटर कैलरी के फॉर्म में जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटर कैलरी के फॉर्म में जानते हैं। तो इंटर कैलरी क्या है, इंटर कैलरी स्पेशली जो हमारे ब्रांचेज होते हैं और जो हमारा स्टेम होता है उसके बीच के ग्रोथ को दिखाता है। वहीं पे हम लैटरल की बात करेंगे तो स्पेशली इसकी मोटाई की बात करेगा, ठीक, मोटाई मतलब पहले इतना होगा तो अब जाके इतना हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एपिकल की बात करेंगे तो किसी भी प्लांट्स के एपिकल पोजीशन पे क्रिएट होता है। एक बार एमएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार आया था कि हमारे जो स्पेशली प्लांट्स होते हैं वो यदि लगातार ग्रोथ करते हैं, ऊपर की ओर तेजी से वृद्धि करते हैं, तो उनमें कौन सा ऐसा टिश्यूस है, ऐसा कौन सा मेरिस्टेम है जो उत्तरदायी होगा या फिर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप लगातार ध्यान रखिएगा उस पॉइंट्स को कि वो एपिकल टिश्यूस के वजह से या एपिकल मेरिस्टेम जो था उसकी वजह से लगातार ग्रोथ करते हुए नजर आते थे। तो लीफ का कार्य स्पेशली वही था प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का पॉइंट्स करना, आप इसके पहले ही जानते होंगे। और यदि बात करें तो हमारे जो लीफ्स हैं वो कैसे करते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इनके बारे में बात कर लें, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कभी कभी जो हमारा जहाँ से लीफ निकलता है उसी जगह से कुछ हमारे कलियाँ निकलती हैं, मतलब बर्ड निकलती हैं। ये बर्ड स्पेशली आपके बडिंग फॉर्मेशन मतलब बडिंग रिप्रोडक्शन में भी वर्क करती हैं, बट यदि बडिंग रिप्रोडक्शन में वर्क नहीं करती तो ये स्पेशली उस प्लांट्स में एक ब्रांच क्रिएट करती हैं जो एक नए ब्रांच आगे चलकर एक नए ब्रांच का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। और यदि ब्रांच ये रिप्रोडक्टिव फेज को क्रिएट करती हैं, जो बर्ड होते हैं वो ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव फेज को ही क्रिएट करते हैं, इसके बारे में आप जानते रहिएगा, ठीक। और बात कर ले स्टूडेंट जो लीफ्स होते हैं, लीफ्स में तो आप जान रहे हो कि लीफ्स में कुछ है नहीं, और लीफ्स के ऊपरी लेयर पे क्या होता है, आउट ऑफ लेयर पे एक क्यूटिकल का लेयर होता है, आप उसके बारे में जानते हो। और स्पेशली दो लेयर्स और होते हैं जो मेसोफिल से बने होते हैं, मेसोफिल मतलब जो हरे पार्ट्स होते हैं उसको मेसोफिल्स कहते हैं, ठीक। और मेसोफिल के बाद वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे जो लीफ्स होते हैं उनमें स्पेशली हमारे क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, हमारे जो फोटोसिंथेसिस है उसमें वर्क करता है, किसके लिए, यहाँ पे हमने देखा था ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो बॉडी में अलग अलग पॉइंट्स में स्टोर हो जाते हैं, यदि खर्च नहीं होगा तो स्टोर जाते हैं, तो लगातार उसको वो वर्क करता है। मेसोफिल के जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट वो प्रकाश संश्लेषण के लिए ही जरूरी होते हैं, मतलब मेसोफिल जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा जो हमारा प्लांट्स होगा उतना हरा भरा होगा, उतना ग्रीन होगा, और उतना ही लगातार वो वर्किंग करता हुआ नजर आएगा, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक। और बात कर ले कि जो हमारे लीफ्स होते हैं वो वास्पोरेशन जो होता है, क्या होता है, वास्पोरेशन होता है, वास्पोरेशन में भी वर्क करते हैं, ठीक। वास्पोरेशन, उसके बाद ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन में भी वर्क करते हैं, खासकर हम ट्रांसपिरेशन की बात कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वास्पोसर्जन इसको कहते हैं आप, वास्पोसर्जन भी हमारे प्लांट्स के लीफ के द्वारा ही होता है, ठीक। अब देखो जब हम ये बात पढ़ लेते हैं तो कुछ स्पेशली रूट और स्पेशल इसके वैस्कुलर बंडल के बारे में चलते हैं। वैस्कुलर बंडल के बारे में आप जानते ही हो कि जितने भी रूट्स होते हैं उनमें हमने इसके बारे में देखा, तो चलो अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है स्टूडेंट, ये एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहा है, एपिकल मेरिस्टेम की बात, ये कैम्बियम की बात कर रहा है। कैम्बियम क्या है, पतली सी झिल्ली होती है जो स्पेशली अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे तो कवर हो जाएगा, ठीक। वहाँ से बात करें हम पेरिकैम्बियम की तो पेरिकैम्बियम इसी के छोटे से बार्ड्स की बात कर रहा है, या प्रोकैम्बियम की बात कर रहा है, प्रोकैम्बियम के बाद ही क्रैम्बियम का फॉर्मेशन होता है ऐसा देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोटोजाइलम की बात कर रहा, तो मैंने बताया प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में कि क्रैम्बियम के फॉर्मेशन से ही जाइलम का फॉर्मेशन होता है, पहली बार जो फॉर्मेशन होता है, ठीक, मतलब प्रोकैम्बियम के फॉर्मेशन से पहली बार, वो जो प्रोकैम्बियम है उसके फॉर्मेशन से पहली बार हमारा जो जाइलम बनता है उसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, जो दूसरी बार बनता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं। ये फिगर हम भी हम ट्यून का कार्पल सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें डीप में पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट, मैं तो यहाँ पे बस केवल ब्रीफली नोट्स देने के लिए आपको इसको बना दिया था, ओके।
मतलब इसको जब हम ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत पढ़ेंगे, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां पे हम दोनों फिगर को सही तरीके से आपको डील कराते हुए नजर आएंगे। ओके, तो अब देखो क्या है कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ था नहीं इस क्लास में, बस आप 5 नंबर मतलब 5 मार्क्स में कई बार पूछता है, तो आप स्पेशली इसके वैस्कुलर बंडल को दिखा सकते हैं कि स्पेशल वैस्कुलर बंडल 2 टाइप्स के होते हैं, जैलम और फ्लोएम होते हैं। जैलम क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर क्यों लेता है, और वही फ्लोएम क्या करता है, जो हमारे फूड मटेरियल बने होते हैं उसको नीचे क्यों जाता है, किसके द्वारा, वेंस के द्वारा। वेंस कहाँ पाए जाते हैं, स्पेशली हमारे ये जो देख रहे हैं ये क्या है, छोटे 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 वेंस हैं जो हमारे लिप्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इतना तो हो गया, अब जो लिप्स में प्रेजेंट हैं ये तो वर्किंग करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, और स्पेशली ये वर्किंग आप ध्यान दीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एस्टोमेटास आता है और वैसे लगातार वो वर्क किए करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि ये छोटा सा क्लास था, आगे मिलते हैं मॉड्यूलरी ग्रोथ के बारे में कि मॉड्यूलरी ग्रोथ क्या है, स्पेशली मॉड्यूलरी ग्रोथ क्या दिखाता है, उनके बेसिक कैसे हैं, छोटा सा क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डील कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद।